Good morning students, this video is for class 3rd EVS and we are studying the chapter 5 that is birds are winged friends and this is the part 3rd of my previous videos. So let's start birds and their beaks, yani ke birds aur unki chonch. The shape of a bird's beak depends on what it eats. Birds eat a lot of food because they need energy to fly and to keep their bodies warm. तो बर्ड द शेप ऑफ बर्ड्स बीक यानी कि बर्ड की बीक की जो शेप होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो जो भी खाती है उस पे. बर्ड्स क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं, लॉट ऑफ फूड खाती हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है फ्लाई करने के लिए और अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. बर्ड्स ईट ग्रेन्स, फ्रूट्स, सीड्स, वॉर्म्स, एग्स एंड इंसेक्ट्स. बर्ड्स क्या खाती हैं, ग्रेन्स अनाज खाती हैं, फ्रूट्स भी खाती हैं, बीज खाती हैं, वॉर्म्स को भी खाती हैं, एग्स खाती हैं और इंसेक्ट्स को भी खाती हैं. सम बर्ड्स ईट स्मॉल एनिमल्स, वाटर बर्ड्स ईट फिश. और कुछ बर्ड्स क्या हैं, छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें खाती हैं और वाटर बर्ड जो होती है वो क्या खाती है, फिश. अ पैरट्स कर्व्ड बीक हेल्प्स इट टू ईट सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स. पैरट की जो बीक होती है वो कैसी होती है, कर्व्ड, तो वो उसको क्या हेल्प करती है, वो उसको सीड्स खाने में, नट्स खाने में, फ्रूट्स खाने में हेल्प करती है. स्पैरो एंड पिजन्स हैव शॉर्ट पॉइंटेड बीक्स टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स. तो स्पैरो की और पिजन की जो बीक होती है वो कैसी होती है, शॉर्ट होती है और पॉइंटेड होती है, जो किस में हेल्प करती है, सीड्स को ब्रेक करने में और क्रश करने में. बर्ड्स लाइक द ईगल एंड हॉक हंट एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स एंड मोल्स. जो बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल हो गया, हॉक हो गया, वो क्या करते हैं, हंट करते हैं, शिकार करते हैं छोटे एनिमल्स का, जैसे कि रैट्स हो गए और मोल्स हो गए. तो दे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प हुक्ड बीक्स टू हेल्प दैम टीयर द मीट. उनकी कैसी बीक्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं एक तो, दूसरी शार्प होती हैं और हुक जैसी होती हैं, हुक्ड बीक्स होती हैं. ये पिक्चर भी दी हुई है हुक्ड बीक ऑफ ईगल की. तो हुक्ड बीक होती है जो उनको क्या हेल्प करती है, जो मीट होता है उसको टीयर करने में, फाड़ने में हेल्प करती है. वुड पैकर्स हैव लॉन्ग पॉइंटेड स्ट्रॉन्ग बीक्स टू मेक होल इन द ट्री ट्रंक्स. अब वुड पैकर क्या करता है, ट्री ट्रंक्स में वो होल करता है, तो इसी के लिए उसकी जो बीक होती है वो कैसी होगी, लॉन्ग होगी, पॉइंटेड यानी कि नुकीली होगी और स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो पेड़ के तने में ईजिली होल बना पाए. दे सर्च एंड कैच इंसेक्ट्स हाइडिंग इनसाइड द होल्स. वो क्या करते हैं, उन होल्स के अंदर ही ट्रीज़ के ट्रंक के जो इंसेक्ट्स छुपे होते हैं उन्हीं को वो कैच करते हैं और उन्हीं को वो खाते हैं. वाटर बर्ड्स सच एज पेलिकन्स हैव लॉन्ग सीजर लाइक बीक्स विद विच दे कैन पिक अप स्मॉल फिश. वाटर बर्ड की जैसे कि पेलिकन हो गया वाटर बर्ड, उसकी कैसी होती है, बीक सीजर के जैसी बीक होती है, जिससे वो क्या कर सकता है, छोटी छोटी जो मछलियाँ होती हैं वो उन्हें पकड़ सकता है. द हमिंग बर्ड हैज़ अ लॉन्ग थिन बीक दैट कैन रीच डिप इनसाइड ए फ्लावर टू सिप नेक्टर. हमिंग बर्ड जो होती है उसकी बीक कैसी होती है, लंबी होती है और थिन होती है, पतली, जिससे वो क्या कर सकती है, एक फ्लावर का नेक्टर, जो फ्लावर का जूस होता है वो उसको सक करती है और उसके लिए वो डीपली जा सकती है इनसाइड फ्लावर के. डक्स हैव ब्रॉड फ्लैट बीक्स विद होल्स इन दैम. जो डक होती हैं उनकी कैसी बीक होती है, ब्रॉड होती हैं, चौड़ी और फ्लैट होती हैं और उसमें एक होल होता है. दे डाइव अंडर वाटर टू फाइंड देयर फूड्स बट दे ऑल्सो टेक इन अ लॉट ऑफ रबिश अलॉन्ग विद द फूड. अब वो क्या करती हैं, पानी के अंदर डाइव करती हैं अपना फूड ढूंढने के लिए, लेकिन वो खाने के साथ साथ बहुत सारी रबिश यानी कि कूड़ा करकट भी उनके साथ आ जाता है. देयर बीक्स फंक्शन लाइक सीव्स दैट सेपरेट द फूड फ्रॉम द रबिश. और उनकी जो बीक है वो क्या करती है, एक सीव का काम भी करती है, एक छलनी का काम करती है. वो क्या करती है, जो रबिश है, जो कूड़ा है, उसको अलग कर देती है फूड से. द वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द होल. क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो डक होती है उसकी बीक में एक होल होता है, तो उससे वाटर क्या करता है, फ्लोज आउट करता है, यानी कि बाहर निकल जाता है. लेट्स टॉक हाउ वुड यू फील इफ़ यू हैड अ बीक इंस्टेड ऑफ माउथ. ये क्या है कि अगर आपके पास माउथ की जगह पर बीक होती तो आपको कैसा फील होता, ये आपको सोचना है.